शारजा के मैदान पर हो रहे थे अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान मैच। इसी मैच में करोड़ों भारतीय फैंस की दुआएं अफगानिस्तान के साथ था, क्योंकि उसकी जीत पर ही भारत के फाइनल की उम्मीद टिकी थी। अगर अफगानिस्तान कल पाकिस्तान को हरा देती तो नतीजा कुछ और ही होता, टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती। खैर अब नहीं। एशिया कप 2022 के सुपर फोर राउंड के अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 129 रन बना सकी। इब्राहिम ने सबसे ज्यादा 35 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान टीम ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर ही 131 रन बना डाली। शादाब खान ने 36 रन, इफ्तार अहमद ने 36 रन और मोहम्मद रिजवान ने 20 रन बनाए। नसीम शाह 4 गेंद पर 14 रन बनाकर नाबाद रही। गेंदबाजी में अफगानिस्तान के लिए फजहल्ला और फरीद अहमद ने 3-3 विकेट ली। इसके अलावा राशिद खान को 2 विकेट मिल गया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरी ओवर में क्या हुआ। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने आखिरी के ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर पूरा मैच ही बदल दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंद पर 11 रन चाहिए था। उन्होंने फजहल की शुरुआत 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया। इसी जीत के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का सपना खत्म हो गया है। अब टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ यानी कि गुरुवार आज सिर्फ औपचारिक मैच खेलेगा। इसी के साथ अब एशिया कप का फाइनल मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 11 सितंबर को होगा। वैसे अभी भी सुपर 4 मुकाबले बचे हुए हैं, लेकिन दोनों टीम का फाइनल खेलना तय है।